अमित शुक्ला जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ शिहरवंश महाराज जी कोटि से प्रणाम। महाराज जी आजकल लोग शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। अधिकतर लोग मानसिक तनाव डिप्रेशन ईर्ष्या उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। खुली बात है उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। अंदर ही अंदर जो भोगों का चिंतन करके गलत आचरण है। हम इसीलिए एक शब्द में बोला आचरण भ्रष्टता। ट्रेन ब्रेकअप कर लो तो ये क्या पति पत्नी आजीवन निर्वाह कर पाएंगे? बच्चे क्या इनका जीवन एक सीमा में बन पाएगा? और सीमा में नहीं बन पाएगा तो अब आप विचार करो। इसी में एक शब्द में उत्तर दे रहे हम। हम जब सत्संग है तो बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है गलत आचरण पापाचरण अधर्माचरण इनको छोड़ा जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। इसीलिए अध्यात्म है, इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो सत्संग सुनो तुम्हारा मंगल होगा। दुर्गेश मित्तल जी अंबाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, परंतु महाराज जी शरीर तो भक्तों का भी छोड़ते हुए देखा जाता है, फिर इस श्लोक का अर्थ कैसे समझे महाराज जी? शरीर भक्त होता है क्या? शरीर भक्त होता है क्या? गाड़ी में तो ड्राइवर तो होता ही है ना, वो गाड़ी का मालिक भी उसमें होता है। ये तो गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर है बुद्धि और उसका मालिक है जीव जो भगवान का अंश है। जो जीव इस शरीर रूपी गाड़ी को बुद्धि के द्वारा प्रेरित करके माया में ले जाता है वो अभक्त होता है, और जो भगवान की तरफ ले जाता है वो भक्त होता है। तो भक्त भगवान को प्राप्त होता है, गाड़ी छूट जाती है। ये तो शरीर एक वाहन है भगवत प्राप्ति के लिए, यात्रा के लिए। अब इस वाहन को किधर ले जाते हो तुम? वैश्यालय ले जाते हो कि मदिरालय ले जाते हो कि आप इसे किसी भक्त के यहाँ या भगवान के मंदिर ले जाते हो? अब ये आपकी बात है। तो इस गाड़ी को छोड़ना
क्या भक्त के नाश की बात सोचते हैं क्या? गाड़ी अगर मौके पर पहुंच गई घर में और मालिक उतरकर अपने घर चला गया और गाड़ी में आग लग गई तो मालिक का कुछ बिगड़ गया क्या? वो तो अपनी मंजिल में आ गया। तो भक्त का मतलब जो भगवान से तदात्म को प्राप्त हो रहा है, भगवत चिंतन परायण है। भक्त किसे कहते हैं? जो हर समय भगवान के चिंतन में है। अब उसका काम हो गया ना, मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? निरंतर भगवान का चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करना। अब अगर वो भगवान का भक्त हो गया और भगवान कहते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो शरीर का नाश होता है, भक्त का नाश कहाँ होता है? समझ रहे ना, जो जीवात्मा है वैसे भी उसका नाश नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन्ति आपो न शुष्यति मारुता, पर उसको नाश कहा गया है। कैसे? वो जीवात्मा शरीराभिमानी बनकर जब गंदे आचरण करता है तो वो सुअर कुत्ता बनता है, अन्य योनियों में जाता है, तो वो भटक रहा है ना, उसका पतन ही तो है। इतना भगवान का पवित्र अंश ऐसी योनियों में भटक रहा तो पतन हुआ ना, बोले तेरा नाश हो जाएगा। नाश का मतलब तेरी स्थिति बिगड़ जाएगी, समझ रहे ना। अब उस भक्त ने अपनी स्थिति बना ली और उसका नाश नहीं होगा। आप समझ, फाइनल में समझ रहे ना, शरीर तो सबका छूटता है, चाहे भक्त का हो चाहे भक्त का हो, लेकिन शरीर से क्या क्या करके छोड़ा गया है बस इसकी मानता है। शरीर छोड़ने से मतलब नहीं है, शरीर तो छूटेगा, नियत समय के लिए मिला है। एक गाड़ी है ये कोई मैं थोड़ी हूं, एक यात्रा है। अब तुम किधर यात्रा करते हो बात यह है, कोई उसी गाड़ी से गंदे आचरणों की तरफ चला गया और कोई उसी गाड़ी से तीर्थ यात्रा की तरफ चला गया, तो गाड़ी छूटेगी दोनों की, पक्की बात है। गाड़ी का मालिक कहां पहुंचा उसकी बात है। तो नामे भक्ता, जो मेरी भक्ति करता है उसका पतन नहीं होता। नाश का तात्पर्य वहां पतन से है, नाश का तात्पर्य शरीर छोड़ने या इससे नहीं है। कितना भी बड़ा संत हो शरीर छूटता है ना, हाँ, तो स्थिति से है। शरीर तो सबका छूटता है, ये छोड़ने वाला ही है। जैसे वस्त्र पुराना उतार के नया वस्त्र धारण कर लिया, ऐसे ही कर्म के अनुसार ये शरीर छूटा, नया शरीर प्राप्त कर लिया। लेकिन जो भगवान को प्राप्त हो गए अब उनको नया शरीर नहीं मिलेगा, और भगवान के धाम में भगवान की सेवा में अब ये भौतिक सांसारिक शरीर नहीं मिलेगा। आदित्य गुप्ता जी, राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे सदैव विवेक शब्द सुना है, कृपया विवेक क्या है, इसका भगवत मार्ग में क्या महत्व है? जो सत और असत का निर्णय करने की सामर्थ्य है उसका नाम विवेक है। जैसे हमारे मन में प्रेरणा हो अमुक वस्तु का हम भोग करें, बुद्धि है और उसमें विवेक नहीं है, निर्णय ठीक नहीं हो पाएगा कि ये जो करना है अधर्म है या धर्म है, इसमें दूसरे का हित है या अहित है। थोड़ा सा संकेत होता है कि अमंगलकारी है, अधर्म है, मत करो। अब अगर विवेक है तो उसे रोक लेगा, और विवेक नहीं है तो बुद्धि सलाह देगी इसको इस तरह से ऐसे किया जाए और वो कर बैठेगा। विवेक ये कोई बाजार में नहीं मिलता है, बोले सत्संग के द्वारा विवेक होता है, और बोले सत्संग ये भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। जैसे विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन होता है तो कह रहे हैं, विभीषण जी देख के कह रहे हैं कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दर्श हटे दीन्हा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं और सत्संग से विवेक जागृत होता है। जिनके लक्ष्य में पूरे संसार को तीन विभाग में रख दिया गया, एक कंचन, एक कामिनी और एक कीर्ति, पूरे पूरे त्रिभुवन के भोगों को तीन में रख दिया गया है। एक है अर्थ वित्तेषणा शास्त्रीय भाषा में, और शाब्दिक भाषा में कंचन, एक है पुत्रेषणा सांसारिक भाषा में कामिनी, और एक है कीर्ति प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति नाम आदि हो जाना। इन तीनों से राग रहित तो जो पुरुष है उसे ही संत कहते हैं। जो तीन मकार पर विजय प्राप्त किए, मदन मद और मोह, मदन काम, मद अहंकार और मोह शारीरिक ममता, इन पर जो विजय प्राप्त करके निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा उसे संत कहते हैं। ऐसे संत के संग से विवेक उत्पन्न होता है, और जब विवेक उत्पन्न होता है तो असत मार्ग का वो त्यागी होता है। असत मार्ग उससे कभी भूल कर भी पाप कर्म नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर विवेक बैठा हुआ है। विवेक जब जागृत होता है तो लोगों का मंगल करता है, लोगों का कल्याण करता है, वो लोगों का शोषण नहीं करता है। जब सुख वांछा होती है अविवेक, वो दूसरों के द्वारा कैसे मुझे सुख प्राप्त करे, ये राक्षसी बुद्धि उसकी बढ़ती चली जाती है।
और जब विवेक होता है तो मेरे द्वारा दूसरों को कैसे सुख प्राप्त हो यह निर्णय होना शुरू हो जाता है। वो राष्ट्रप्रिय होता है, वो समाज प्रिय होता है, वो भगवत प्रिय हो जाता है जिसके अंदर विवेक जागृत होता है। अविवेकी कभी दूसरे का हित नहीं कर सकता, वो अगर मित्रता भी करता है तो कोई स्वार्थ की बुद्धि रख के करता है। विवेकी मित्र जब बनाता है तो उसे मंगल मार्ग में चलाता है, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। तो आज के मित्र अविवेकी है, ये जो आज व्यवहार चला है ना मित्रता का, ये मित्रता का नहीं शत्रुता का चला है। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, मित्र हो तो हाथ मिलाओ और धर्म पूर्वक चलो और सतमार्ग में चलो, प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें सुख पहुंचाएंगे, इसे तो मित्रता कहते हैं। मित्रता का एक हवाला दे करके उसको व्यसन युक्त कर देना, उसको भ्रष्ट आचरण में कर देना, उसको अपने अधीन करना, ये मित्रता नहीं, ये अविवेक का लक्षण। विवेकी कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो विवेक शास्त्र सम्मत और संत सम्मत जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं। अखिलेश मिश्रा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, काशी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जुगल सरकार के गौर श्याम चरणारविंद के रस समुद्र में डूबा रहना चाहता हूँ, लेकिन कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां अब बढ़ती ही जा रही हैं। संसार बहुत कठिन प्रतीत होता है, कहीं संसार में ही डूबकर समाप्त ना हो जाऊं। संशय मत कीजिए। जो कर्तव्य कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं उन पर विशेष भगवान की कृपा होती है। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन कीजिए। वो आपको डुबाने के लिए नहीं, आपके उठाने के लिए है। भगवान ने जो आपको सेवा दी, आप हजारों लोगों का हित कर सकते हैं, आप ऐसे पद पे हैं, तो आप नाम जप कर ही रहे हैं, अपने कर्तव्य को प्रभु को समर्पित करते रहे। तो जैसे हम अपनी सेवा में लगे, आप अपनी सेवा में लगे, दोनों को प्रियालाल की प्राप्ति होगी। आप संशय मत कीजिए। कम से कम जैसे कोई मंदिर में चढ़कर बोले तो बोले सत्य बोलता है ना, तो हम धाम में बैठ के बोल रहे हैं, आपको विश्वास कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो शब्द ही नहीं होना चाहिए कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। आपका तो जिस भाव से हम कहें उसमें बहुत छोटा पद है। चक्रवर्ती सम्राट पद पर अम्बरीश जी हैं, पूरा राज्य चला रहे हैं और भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। तो आप ऐसा ना सोचे कि वो संसार का कार्य मुझे डुबो सकता है। नहीं, हर समय अपने प्रभु के आश्रित हैं और प्रभु की सृष्टि में प्रभु के द्वारा दिया हुआ पद और कार्य कर रहे हैं। तो आप संशय मत कीजिए। हाँ, अधर्म आचरण से थोड़ा डरते रहना है, अधर्म आचरण ना होने पावे। अगर अधर्म आचरण होगा तो आपका विश्वास दृढ़ नहीं हो पाएगा और बिन विश्वास भगत ही नहीं। अगर विश्वास नहीं तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी भक्ति हो रही। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। तो आज तुम वृंदावन में बैठकर ये विश्वास करो कि तुम प्रियालाल के शरणागत हो अंदर से। वो बाहर से कभी भी हो जाओ, अंदर से विश्वास करो मैं प्रियालाल की शरण में हूं, मुझे जो सेवा मिली राष्ट्रीय ये भगवान की सेवा है, ये संसार की नहीं है कि हमें फंसा लेगा। ये भगवान की सेवा मानकर हम कम, जब युद्ध भगवान की सेवा हो सकती है तो और तो सब भगवान की सेवा ही है। तो आप निश्चिंत रहो। सुमन जी राजस्थान से, कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत चिंतन में भजन में ज्यादा रम जाते हैं तो संसारिक कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जबकि अपना जो कर्तव्य है घर परिवार के प्रति। नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अभी कमजोर अभ्यास है इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, ऐसा नहीं है। भजन करते जब युद्ध हो सकता है, मामनुस्मर युद्ध चे, तो हर कार्य हो सकता है। ये हम थोड़ा अगर भावना ऐसी करेंगे कि हमारा मन फिर, तो ये हमारी कमजोरी है। तो ऐसे हम फावड़ा चला सकते हैं, हम झाड़ू लगा सकते हैं, हम रसोई बना सकते हैं, हम सब कार्य कर सकते हैं ऐसे भजन करते हैं। ये अगर आप बात करोगे तब तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई भजन करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि संसारिक काम रुक जाएंगे। तो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए अम्बरीश जी भगवान की इतनी ऊंची भक्ति कर रहे हैं, सम्राट है, इसका मतलब कार्य हो सकता है, कार्य होते हैं। आचार्यों ने किया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। इसलिए मुझे लगता है अभ्यास की, किसका प्रश्न था, अभ्यास की कमी है इसलिए ऐसा नहीं। मतलब हम रोटी बना रहे हैं, राधा 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 राधा, हम पोछा लगा, बहुत सुंदर पोछा लगेगा, राधा राधा, पति की सेवा कर रही, मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में है अंदर से राधा। तुम सबकी प्राण प्यारी हो जाओगे क्योंकि भजन करते हुए जब सेवा करो सबको सुख मिलेगा, सबको आनंद मिलेगा। वो कच्चा साधक होता है जो कहता है हम तो भजन करें ये सब संसारिक काम है, ऐसा नहीं। तो सेवा तो करनी पड़ेगी सबको। तो इसलिए आप ये बात तो कमजोरी वाली है कि हम भजन की तरफ तो हमारा मन
नहीं लगता ऐसे कम हुए। सपने में भी नाम जाप दे गए थे हम लोग तो 5 दिन। हाँ तो खूब नाम जप करो, नाम जप करो, हाँ खूब नाम जप करो। श्री किशोरी जो ही जैसे कोई कहता है कि बाबा आप हमारे सपने में आए, हम आपसे सच्ची कहते हैं हम नहीं आए, ये शरीर ये जीवन किशोरी जू का है। अगर आप इस शरीर से थोड़ा भी प्यार करते हैं तो मानो किशोरी जू से प्यार कर रहे हैं। आपके स्वप्न में मानो शरीर आया तो किशोरी जू नहीं किया, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है। मरे हुए शरीर को जिंदा केवल जगत मंगल के लिए रखा गया है, अंदर जो है वो केवल भागवतिक शक्ति काम कर रही। मरे हुए शरीर में एक दिव्यता कंट्रोल कर रही है, वही हाहाकार मचा है, वो अलौकिक सत्ता काम कर रही है। खुला अब लूट पावे तो लूट पावे, जिसको लूटना है वो लूट लेगा और जिसको गंवाना है वो गंवा भी देगा। अरे यार सब नौटंकी नाटक माया का, ऐसा भी हो सकता है। अगर 1000 श्रद्धा करते तो 100-200 में तो ऐसी दृष्टि आ ही जाएगी। हाँ तो जिसको लूटना है उसे लूट ले लाए और जिसको गंवाना है वो गंवा देगा। हाँ ये बिल्कुल खुली बात है, भगवान की कृपा से इस मार्ग में चला जा सकता है।